गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कोरोना वाले बयान को लेकर कहा कि जैसा गुरु वैसा चेला, होवे राजनीति में खेलम खेला। दिग्विजय सिंह राहुल जैसे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कोविड से कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने पहुंचाया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जैसा गुरु वैसा चेला, राजनीति में होवे खेलम खेला। जैसे राहुल गांधी हैं वैसे ही दिग्विजय सिंह हैं। दोनों ही अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। दोनों की स्थिति एक जैसी है। जब एक ही तरह की धारा है तो सूरत की अदालत ने जो निर्णय लिया है, हो सकता है यहाँ की अदालत भी वैसा ही निर्णय ले। ये मेरी निजी राय है। वहीं गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह के कोरोना वाले बयान को लेकर कहा कि इतना तो तय हो गया है कि ये व्यक्ति हानिकारक है। गुरु चेला की दोनों की स्थिति ऐसी है, जैसे गुरु वैसे चेला, वह राजनीति में खेलम खेला। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान। जब एक ही तरह की धारा है तो हमारी मान्यता तो जैसा जब वहां की अदालत ने जो निर्णय दिया है वैसा ही यहाँ की अदालत। ऐसी मेरी निजी राय है, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है जो निर्णय करे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग सरकारें हैं, एक भाजपा की एक कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में नक्सली मारे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जवान शहीद हो रहे हैं। दो दिन तीन दिन पहले का मध्य प्रदेश का है और कल का छत्तीसगढ़ का, और दो सरकारें हैं, एक मध्य प्रदेश की है एक छत्तीसगढ़ की। दो पार्टियां, एक कांग्रेस है एक भाजपा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां नक्सली हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ के नक्सली एक साल के अंदर 8 बड़े बड़े नक्सली मध्य प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए, हॉक फोर्स ने मार गिराए। पुलिस को बधाई, हमारी हॉक फोर्स को बधाई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।